subject science, class 2nd, chapter 6, animals that lay eggs. वो जानवर जो ले एग्स मीन्स अंडे देते हैं। पार्ट वन में हमने देखा कि जो इंसेक्ट्स जो होते हैं, वॉर्म्स जो होते हैं, स्नेल जो होते हैं, स्पाइडर्स, फिश, स्नैक्स, फ्रॉग्स, टर्टल्स, लिजर्ड एक्सेट्रा, वो सब क्या है, एग देने वाले एनिमल्स है, जानवर है। नेक्स्ट हमने कैटरपिलर के बारे में जाना था कि कुछ वॉर्म्स ऐसे होते हैं कि सम हैव स्पेशल नेम्स लाइक कैटरपिलर। कुछ वॉर्म्स ऐसे होते हैं कि जिसके स्पेशल नेम्स होते हैं, जिसको कैटरपिलर्स कहा जाता है। द ग्रब्स ईट अ लॉट एंड ग्रो। ग्रब्स जो होते हैं वो ईट लॉट मीन्स, इट मीन्स खाना, लॉट मीन्स बहुत सारा, वो बहुत सारा खाते हैं, और ग्रो मीन्स बड़े होते हैं। आफ्टर सम टाइम दे चेंज एंड स्टार्ट लुकिंग लाइक देयर पेरेंट्स। आफ्टर सम टाइम्स मीन्स कुछ समय के बाद दे चेंज, वो बदल जाते हैं, एंड स्टार्ट लुकिंग लाइक देयर पेरेंट्स, और वो अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं। नीचे आप लोगों को जो पिक्चर्स जो दिखाई दे रहे हैं उसमें जो फर्स्ट जो पिक्चर है वो है कैटरपिलर। कैटरपिलर जो है वो ईट अ लॉट मीन्स वो बहुत सारा खाएगा, एंड ग्रो फिर वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो थोड़े दिन के बाद वो चेंज हो जाएगा मीन्स वो कैटरपिलर में से क्या बन जाएगा, बटरफ्लाई बन जाएगा। नेक्स्ट हमने बीज एंड एंट्स के बारे में जाना था। बीज एंड एंट्स जो है उनको स्पेशल इंसेक्ट कहा गया है क्योंकि बीज एंड एंट्स जो है वो सब लिव टुगेदर मीन्स बीज एंड एंट्स जो है वो सब साथ में रहते हैं, इसलिए उनको स्पेशल इंसेक्ट कहा गया है। नेक्स्ट हमने स्पाइडर्स के बारे में जाना था। स्पाइडर्स जो है, स्पाइडर्स मेक अ सिल्कन थ्रेड। स्पाइडर जो है वो एक सिल्कन थ्रेड बनाता है। दे यूज इट टू मेक देयर वेब। जो सिल्कन थ्रेड जो बनाता है उससे वो क्या बनाता है, वेब। वेब जहाँ पे वो स्पाइडर रहता है उसको वेब कहा जाता है। वो सिल्कन थ्रेड से वो अपना वेब बनाता है। आज हम फिश के बारे में जानेंगे। द मदर फिश इज नॉट वेरी लविंग। मदर फिश मीन्स जो फीस होती है उसकी जो माँ जो होती है वो बहुत, उसमें बहुत प्यार नहीं है मीन्स वो अपने बच्चों से प्यार नहीं करती है। सी जस्ट लेस लॉस्ट एंड लॉस्ट ऑफ एग्स। वे मछली जो है वो बहुत और बहुत सारे अंडे देती है। देन सी स्विम्स अवे। अंडे देके फिर वो क्या करती है, तैरकर दूर चली जाती है। द एग्स स्टिक टुगेदर एंड लुक लाइक क्लम्प्स ऑफ जेली। एग्स जो है वो स्टिक मीन्स चिपक जाते हैं, टुगेदर मीन्स एक साथ वो चिपक जाते हैं, एंड लुक लाइक क्लम्प्स ऑफ जेली, और वे जेली के गुच्छे की तरह दिखते हैं। आप लोगों को जो पिक्चर्स दिखाई दे रहे हैं उसमें जो फर्स्ट जो पिक्चर है बहुत सारे क्या है, एग्स है, वो फिश के एग्स है, वो जेली टाइप दिखाई दे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या है, बेबी फिश है। सेकंड जो पिक्चर है न्यूली हैच्ड फिश मींस, फर्स्ट जो पिक्चर है वो एग्स के है जिसके अंदर क्या है, बेबी फिश है। तो सेकंड पिक्चर में क्या हुआ कि वो एग्स में से क्या निकली, बेबी फिश निकली मींस उसमें से मछली के बच्चे निकले। नेक्स्ट, टर्टल्स एंड क्रोकोडाइल्स हाइड देयर एग्स इन होल्स इन द ग्राउंड। टर्टल्स मींस कछुए, और क्रोकोडाइल्स मींस मगरमच्छ जो होते हैं वो अपने अंडों को जमीन में, ग्राउंड मींस जमीन में, होल्स मींस छेद करके उसमें, हाइड मींस छिपा देते हैं। कछुए और जो मगरमच्छ जो होते हैं वो अपने अंडों को जमीन में होल्स करके उसमें क्या कर देते हैं, छिपा देते हैं। द मदर क्रोकोडाइल गार्ड्स हर एग्स अंटिल दे हैच। मदर क्रोकोडाइल जो होती है वो
अपने अंडे में से जब तक बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं तब तक वो गार्ड्स के रूप में काम करती है, मींस वो अपने एग्स जो है उनकी रखवाली करती है। द मदर टर्टल लीव्स आफ्टर लाइंग द एग्स। मदर टर्टल जो होती है वो अंडे देने के बाद, लीव मींस छोड़ देना, अंडे देने के बाद वो अपने अंडे को छोड़ देती है। बर्ड्स आर वंडरफुल पेरेंट्स। बर्ड्स जो है वो वंडरफुल मींस अद्भुत, पेरेंट्स मींस माता पिता है, बर्ड्स जो है वो अद्भुत पेरेंट्स है। बोथ पेरेंट्स स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम बिल्डिंग अ नेस्ट फॉर देयर बेबीज। दोनों मींस पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए नेस्ट मींस घोंसला बनाने में स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम मींस बहुत समय बिताते हैं। द मदर लेस द एग्स। मदर मींस माँ जो है वो अंडे देती है। देन सी सिट्स ऑन देम टू कीप देम वार्म। फिर मदर जो है वो अंडे को वार्म मींस गर्म रखने के लिए, सिट्स मींस बैठना, वो अंडे के ऊपर बैठती है। द फादर स्टेज क्लोज बाय द प्रोटेक्ट द एग्स। द फादर मींस जो पिता जो है वो अपने एग्स मींस अंडों की रक्षा करने के लिए, मींस प्रोटेक्ट मींस रक्षा करना, अपने अंडों की रक्षा करने के लिए वो स्टे क्लोज मींस अंडे जो है उनके करीब रहता है। ही ऑल्सो फीड्स द मदर। फीड्स मींस खाना खिलाना, वो माँ को खाना भी खिलाता है। आज का हम यहाँ तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में हम दूसरे बर्ड्स के बारे में जानेंगे। अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।